नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया है वन इंडिया हिंदी। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी से कुख्यात डाकू प्रभावित हो गया हो? लेकिन ऐसा हुआ था फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजेंद्र गोयल के साथ। 21 जून 2020 को 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज किस्सा क्रिकेट में राजेंद्र गोयल को याद करते हुए आपको उनसे जुड़ा एक ऐसा मजेदार किस्सा सुनाते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल को सिर्फ एक अच्छे क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक भले इंसान के रूप में भी याद किया जाएगा। बाएं हाथ के स्पिनर गोयल को घरेलू स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद कभी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। वो उस युग में खेला करते थे जब बिशन सिंह बेदी जैसे बेहतरीन स्पिनर भारतीय टीम की कप्तानी किया करते थे। टीम में उन दिनों और भी कई दिग्गज स्पिनर हुआ करते थे, इस वजह से गोयल को कभी भी टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिला। गोयल को लंबे स्पेल के लिए जाना जाता था। उनमें लंबे स्पेल करने की कमाल की क्षमता थी। जिस पिच से थोड़ी सी भी मदद मिल रही होती थी वो उस पर उनको खेलना नामुमकिन हो जाता था। वो इतने लंबे समय तक खेलते रहे, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वो विजय मांजरेकर के खिलाफ भी खेले और उनके बेटे संजय मांजरेकर के खिलाफ भी खेले। राजेंद्र गोयल ऐसे पहले क्रिकेटर होंगे जिन्हें किसी डाकू ने चिट्ठी लिखी थी। जी हाँ, ये सच है। 1985 में भूरा सिंह यादव, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था, ग्वालियर जेल में अपनी सजा के दौरान उन्होंने राजेंद्र गोयल को चिट्ठी लिखकर रणजी ट्रॉफी में 600 विकेट लेने की बधाई दी थी। भूरा सिंह ने लिखा था, हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आपके भविष्य के लिए कामना करते हैं। ईश्वर आपको दिन प्रतिदिन सफलता दिलाए। 8 अप्रैल 1985 को लिखे इस पत्र को पढ़कर गोयल की आंखों में आंसू आ गए थे। राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिलने के बावजूद राजेंद्र गोयल 44 साल की उम्र तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते रहे। उनके परिवार में पत्नी और पुत्र नितिन गोयल हैं। नितिन भी प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं और घरेलू मैचों में मैच रेफरी का काम करते हैं। 1958 से 1984-85 तक घरेलू क्रिकेट खेलने वाले राजेंद्र गोयल ने 26 सत्र में हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में 637 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। गोयल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कुल 157 मैच खेले जिसमें 750 विकेट हासिल किए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।